हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, दिस इज कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से के पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्विज टाइम की श्रृंखला की 8वीं कड़ी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें मैं पैंडास डेटा फ्रेम पर एक क्विज लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेटा फ्रेम के ऊपर आप स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। स्लाइसिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है डेटा फ्रेम का। तो आप सभी ध्यान से क्वेश्चंस को करें और बड़ा ही आपको मज़ा आने वाला है इस क्विज के दौरान। सो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग क्विज के पहले प्रश्न की तरफ, और पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर रहा पहला प्रश्न। पहले प्रश्न से पहले आपको ये डेटा फ्रेम जिसके ऊपर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये डेटा फ्रेम का व्यू मैंने आपको दिखा दिया, जिसमें 1, 2, 3, 4 कॉलम है, कंट्री, पॉपुलेशन, बर्थ रेट, अपडेट डेट, और इसके जो इंडेक्सेस हैं 0, 1, 2, 3, 4 हैं। इसके बेसिस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन, ये 10 के 10 क्वेश्चन इसी डेटा फ्रेम के बेस पर पूछे गए हैं। बड़े ही ध्यान से आप जवाब दें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डेटा फ्रेम वैसे अपने आप में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। राइट कमांड टू डिस्प्ले टॉप 3 रोज फ्रॉम द डेटा फ्रेम गिवन। डेटा फ्रेम में अगर आपको टॉप की 3 रो डिस्प्ले करानी है तो वो कैसे डिस्प्ले करेंगे, कमांड क्या है। प्रिंट df डॉट टॉप ब्रैकेट में 3, ये कॉमा गलती से यहाँ पर टाइप हुआ, अभी मैं ठीक कर दूंगा। तो टॉप 3, और यहाँ पर है df डॉट हेड, df डॉट हेड 3, df डॉट टॉप 3 अगेन। तो आप इसमें गेस करें कि ये कौन सा आंसर होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए df ऑफ हेड 3 पार्ट सी। आप देख सकते हैं हेड फंक्शन होता है, आपको पता होगा हेड फंक्शन के बारे में। हेड अगर मैं बिना किसी पैरामीटर के, बिना किसी वैल्यू के देता हूँ, तो वो टॉप से 5 रो डिस्प्ले करता है, और अदरवाइज इट विल डिस्प्ले एज मैनी नंबर ऑफ रोज फ्रॉम द टॉप ऑफ द डेटा फ्रेम एज यू आर स्पेसिफाइंग द वैल्यू ओवर हेयर। 3 लिख रहे हैं तो टॉप से 3 रो, 10 लिख रहे हैं 10 रो, 20 लिख रहे हैं 20 रो। इट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द डेटा फ्रेम, कि आपके डेटा फ्रेम में कितनी रोज हैं, राइट। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर एक तो डॉट नहीं रहेगा, और यहाँ पर ये ऑप्शन मैंने देना था टेल, ठीक है। सो इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सो नाउ राइट नाउ दिस इज योर क्वेश्चन। अब मैं चलता हूँ। वैसे ये फंक्शन आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कई बार एग्जाम में यहाँ पर ये ट्रिपल ग्रेटर देन सिंबल लगा करके और फिर डी एफ डॉट हेड खाली लिखा होता, प्रिंट नहीं लिखा होता। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप आइडियली पर पाइथन की अगर कोई कमांड लिख रहे हैं तो वो ट्रिपल ग्रेटर देन पे एग्जीक्यूट हो जाती बिना प्रिंट के, लेकिन यही कमांड आप अगर किसी प्रोग्राम में लिख रहे हैं तो बिना प्रिंट लिखे हुए एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो इसका ध्यान रखें। तो कुछ भी डिस्प्ले करना है तो हम प्रिंट लगा देते हैं, आइडियली पर काम कर रहे हैं तो ट्रिपल ग्रेटर देन लगा हुआ तो आप सीधी ये कमांड लिख सकते हैं, अदरवाइज ये कमांड प्रिंट लिख करके ही काम करेगी। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन ये है बेटा कि राइट द कमांड टू डिस्प्ले बॉटम मोस्ट 3 रोज ऑफ द पॉपुलेशन कॉलम। अब बॉटम से 3 रो आपको डिस्प्ले करना है, तो मैंने लिखा डी, अच्छा पॉपुलेशन कॉलम का, जरा एक बार पॉपुलेशन कॉलम पर नजर डालिए। पॉपुलेशन कॉलम ये है आपका, ठीक है, इसके नीचे वैल्यूज हैं, इसमें से बॉटम से 3 रो आपको उठानी है, ना कि पूरे डेटा फ्रेम से। ध्यान से देखिए, पूरे डेटा फ्रेम से आपको 3 रो नहीं दिखानी है। अभी पहला क्वेश्चन था कि टॉप से 3 रो दिखानी है, तो आपने df डॉट हेड ब्रैकेट में 3 लिख दिया। अब यहाँ df डॉट जो भी फंक्शन है वो लिख करके आप 3 नहीं लिखेंगे, आपको पॉपुलेशन की 3 वैल्यूज लास्ट की दिखानी है। क्वेश्चन समझ लीजिए,
तो आपका ये क्वेश्चन सेकंड नंबर, यहाँ से ध्यान से देखिए, डी एफ ऑफ पॉपुलेशन डॉट बॉटम ब्रैकेट में 3 पहला ऑप्शन, ऑप्शन बी है डी एफ डॉट पॉपुलेशन डॉट बॉटम 3, यहाँ डॉट लगा हुआ है, डी एफ डॉट पॉपुलेशन डॉट टेल 3, डी एफ ऑफ पॉपुलेशन डॉट टेल 0 1 2 इंडेक्स लिखी हुई है। अब आप सोचिए कि पॉपुलेशन की लास्ट की 3 रोज 3 वैल्यूज देखनी है मुझे, कौन सा आपका अप्रोप्रिएट आंसर है, गेस कीजिए फटाफट, शायद आपको पता चल गया होगा। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज पार्ट सी। बॉटम नाम का कोई फंक्शन नहीं, इसे कैंसिल कर दीजिए। टेल में 3 पैरामीटर 10 पैरामीटर नहीं लिखे जाते हैं, इसे कैंसिल कर दीजिए। टेल फंक्शन में सिंपली ब्रैकेट में 3 लिखेंगे, अगर डी एफ डॉट टेल लिखते हैं तो आपका पूरे डेटा फ्रेम से बॉटम की 3 रो डिस्प्ले हो जाती। आप लिख रहे हैं डी एफ डॉट पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन कॉलम को एक्सेस करेगा और उसमें से लास्ट की 3 रो डिस्प्ले कर देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा इसका आंसर भी है। तो आप तक आज तक अभी ने आप लोगों ने ज़्यादातर डाटा फ्रेम की बॉटम मोस्ट रोज़ को डिस्प्ले किया था टेल फंक्शन से। आज आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि किसी भी डेटा फ्रेम के किसी पार्टिकुलर कॉलम से लास्ट की 3 रो 4 रो या एन रो डिस्प्ले करना है तो आपका ये फंक्शन है, बाय डिफॉल्ट टेल फंक्शन 5 रो बॉटम से डिस्प्ले करता है, राइट। आइए लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखें, टू डिस्प्ले द कॉलम कंट्री वी राइट द कमांड, कंट्री कॉलम को डिस्प्ले करने के लिए कौन सी कमांड अप्रोप्रिएट है। देखिए आप यहाँ से प्रिंट डी एफ डॉट कंट्री, प्रिंट डी एफ ऑफ कंट्री, प्रिंट डी एफ ऑफ कंट्री विदाउट सिंगल कोट, प्रिंट डी एफ ऑफ कंट्री विद इन पैरेंथेसिस, इसमें से कौन सा आंसर आपका अप्रोप्रिएट होगा, जस्ट गेस आउट फास्ट। बहुत ही सिंपल है ये, ए और डी मिला करके, ए पार्ट और डी पार्ट, ओनली ए पार्ट, ए एंड बी, ए और बी दोनों, बी और सी, बी एंड सी। यस प्लीज गेस आउट, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज ए एंड बी। ये आपका राइट सिंबल जो है थोड़ा सा नीचे जा रहा है, इसको मैं यहाँ पर डिजाइन कर देता हूँ। यस नाउ इट इज ए एंड बी। डी एफ डॉट कंट्री से भी आप कंट्री कॉलम एक्सेस कर सकते हैं, डी एफ ऑफ कंट्री से भी कंट्री कॉलम एक्सेस किया जा सकता है, राइट। लेट अस क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखें, आपको ILOC और LOC का नॉलेज तो होगा ही, आपने पढ़ा होगा ILOC इंडेक्स बेस्ड स्लाइसिंग करता है और LOC जो है वो इंडेक्स लेबल में, जो इंडेक्स के ऊपर लेबल लगा देते हैं उस पर स्लाइसिंग करता है, ठीक है। दूसरी चीज ILOC, अब पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप, ट्राई टू स्टडी द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर। ये टॉपिक्स पढ़ाने के लिए आप वीडियोस देखिए, पढ़ना है जहाँ से तो आप वीडियोस में जा करके LOC और ILOC पढ़ सकते हैं। मैंने स्पेशल वीडियोस अपने चैनल पर LOC और ILOC से रिलेटेड दी हुई है। राइट कमांड टू डिस्प्ले द कॉलम कंट्री एंड बर्थ रेट ओनली यूजिंग ILOC। एक बार में पीछे जाना पड़ेगा और वहाँ से आप देखें कंट्री और बर्थ रेट का जो इंडेक्स है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंट्री का इंडेक्स 0 है और बर्थ रेट का इंडेक्स 1 है, 0 1 2, सो 0 और 2, राइट, समझ में आ गया होगा। तो कंट्री का 0 है और बर्थ रेट का 2 है इंडेक्स, ध्यान से देखें आप। डी एफ डॉट आई एल ओ सी, फिर ब्रैकेट के अंदर 0,2, डी एफ डॉट आई एल ओ सी 0,2, डी एफ डॉट आई एल ओ सी कॉलन देन 0,2, डी एफ डॉट आई एल ओ सी कॉलन देन 0,2 अलग से ब्रैकेट में है। आप इसका आंसर गेस करें, कौन कौन सा आपका राइट आंसर होना चाहिए, जल्दी से क्विकली आप गेस कीजिए। ओके इट इज डी पार्ट ओनली, डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आई एल ओ सी के बाद आप अलग अलग अगर आपको कॉलम डिस्प्ले करना है तो उसे लिस्ट के फॉर्म में देना पड़ेगा, कॉमा से सेपरेट करके। ये वाला जो कॉलन लगा हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है ऑल रोज बट कॉलम कंट्री एंड बर्थ रेट, कंट्री का इंडेक्स नंबर 0, बर्थ रेट का इंडेक्स नंबर 2 है। यहाँ स्पेसिफाई कर रहा है ILOC का ही इस्तेमाल करो और कोई नहीं। ओके सो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन देखें, राइट कमांड टू डिस्प्ले कॉलम कंट्री एंड बर्थ रेट ओनली।
कंट्री और बर्थ रेट कॉलम ही डिस्प्ले करना है। तो ज़रा देखिए इसमें कैसे करेंगे। हम लोग यूज़ कर रहे हैं डी एफ डॉट एल ओ सी कॉलन कंट्री कॉमा बर्थ रेट, डी एफ डॉट एल ओ सी स्क्वायर ब्रैकेट कंट्री कॉमा बर्थ रेट, डी एफ ऑफ फिर से स्क्वायर ब्रैकेट में दो बार कंट्री कॉमा बर्थ रेट, डी एफ कॉलन कॉमा कंट्री कॉमा बर्थ रेट। इसमें से ओनली ए ऑप्शन करेक्ट है या बी एंड सी करेक्ट है, बी और सी आप ध्यान से देख लीजिए, या सी और डी करेक्ट है, सी और डी ये आपके कॉलम्स हैं, ये आंसर्स हैं, या ए एंड बी करेक्ट है, ए और बी आपके सामने दिए हुए हैं, यहाँ से आप गेस कीजिए कौन सा आपका करेक्ट है इसमें से। तो जल्दी से सोचिए, कॉलम्स की स्लाइसिंग की जा रही है और कॉलम्स अलग अलग हैं, कंटिन्यूएशन में नहीं है, तो लिस्ट के फॉर्म में लिखे होना चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग सारी रो आनी चाहिए। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, इसका जो आंसर है वो है पार्ट नंबर फोर्थ ए एंड बी। देखिए बिना एल ओ सी के आप इसे डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे, अगर आप यहाँ कॉलम के नाम लिख रहे हैं तो आप एल ओ सी से ही उसे डिस्प्ले कर पाएंगे, कॉलम के नाम वो बता रहा है। यहाँ पर आप ऑल रोज बट दीज टू कॉलम्स, एल ओ सी से यहाँ भी दीज टू कॉलम्स, ऑल रो अगर आप नहीं भी लिखते हैं कॉलन लगा करके तब भी ये एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए आपका आंसर ए एंड बी है। डी एफ के साथ ये डायरेक्ट आप कॉलम लेबल्स का इस्तेमाल करके स्लाइसिंग नहीं कर सकते हैं, डी एफ के साथ बिना एल ओ सी लगाए आप कॉलम लेबल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए सी और डी पार्ट कैंसिल किया जाता है। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर सिक्स। द कमांड टू डिस्प्ले कंट्री पॉपुलेशन एंड बर्थ रेट, यहाँ पर तीन कॉलम्स डिस्प्ले करना है, एक तो कंट्री है, दूसरा पॉपुलेशन है, तीसरा बर्थ रेट है। कंट्री के बाद पॉपुलेशन कॉलम है, उसके बाद बर्थ रेट है, यानी तीनों कंटिन्यूएशन में है, तो हम स्लाइसिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और रेंज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रेंज यहाँ पर आप अगर पीछे जाते हैं, पीछे जा करके हम लोग अगर अपनी अपना डेटा फ्रेम देखते हैं तो डेटा फ्रेम में कंट्री पॉपुलेशन बर्थ रेट ये तीनों कंटिन्यूएशन में है, इसका इंडेक्स जीरो है, इसका वन है, इसका टू है, तो जीरो से लेकर के टू तक सारे कॉलम्स आपको रिट्रीव करना है। लेट अस गो टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स था हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो मैंने लिखा डी एफ डॉट आई एल ओ सी कॉलन जीरो कॉलन थ्री। आई एल ओ सी का इस्तेमाल आप जानते हैं कि इंडेक्स जीरो वन टू थ्री इस तरह की जो इंडेक्स डिफॉल्ट इंडेक्स होती है उसका इस्तेमाल होता है ये। और अगला है आंसर आपका बी पार्ट डी एफ डॉट एल ओ सी कॉलन कंट्री कॉलन बर्थ रेट, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है डी एफ कॉलन कंट्री कॉलन बर्थ रेट कॉमा यहाँ लगा है। नेक्स्ट आंसर है डी एफ ऑफ कॉलन कॉमा जीरो कॉमा थ्री। चूज द करेक्ट आंसर, ओनली ए, ओनली बी, ए एंड बी, सी एंड डी। बिल्कुल जल्दी से आप फिनिश कीजिए अपना आंसर, सोचिए क्या होना चाहिए। और यस, फाइव फोर थ्री टू वन, यस इट इज ए एंड बी ओनली। आई एल ओ सी से आप यूज करेंगे तो कॉलन का मतलब ऑल रोज और जीरो कॉलन थ्री का मतलब जीरो वन टू आई एल ओ सी लगा हुआ है, स्टॉपिंग इंडेक्स से एक कम, तो कौन से कॉलम थे आपके, जीरो वन टू कॉलम थे, ये स्लाइस हो जाएगा। डी एफ डॉट एल ओ सी कॉलन कंट्री कॉलन बर्थ रेट, ये आपकी स्लाइसिंग हो जाएगी क्योंकि यहाँ एल ओ सी लग रहा है, इसलिए यहाँ पर उनका नाम दे सकते हो, कॉलम्स का लेबल दे सकते हो, कॉलम्स के नाम दे सकते हो, और कॉलन मीन्स ऑल रोज। यहाँ पर अगर आप कॉलम के लेबल्स दे रहे हैं तो एल ओ सी नहीं यूज़ किया तो गलत है, यहाँ पर अगर आप इंडेक्सेस यूज कर रहे हैं आई एल ओ सी नहीं दिया तो ये गलत है आपका, दैट इज वाई सी एंड डी इज कैंसल्ड एंड ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट आंसर्स, राइट। आप ये कमेंट्स लिख करके ट्राई करेंगे, उस तरह का एक डेटा फ्रेम बना लेंगे और इन कमेंट्स को ट्राई करेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेल, ओके। और अगर आप, चलिए नेक्स्ट,
यहाँ पर मैं देखता हूँ द कमांड टू डिस्प्ले रोज विद इंडेक्स 0 to 3, रो नंबर 0 से लेकर के 3 तक जिसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3 है उसे हमें स्लाइस करना है। तो सबसे पहला आंसर हमने दिया है df.iloc 0:4 और 0, 1, 2, 3 स्टार्ट इंडेक्स है और ये स्टॉपिंग इंडेक्स है। df of 0:4 df.loc 0:3 ऑल द अबव। अब आंसर आपका क्या है, ओनली ए, ओनली बी या ए एंड बी बोथ और डी। आप जल्दी से सोचिए और हमें चाहिए रिस्पांस आपसे, ठीक है। तो दिस इज डी पार्ट ओनली, ऑल द अबव। आईएलओसी के केस में 0:4 चल जाएगा आपका, रो नंबर 0, 1, 2 स्लाइस हो जाएगी। 0:4 अगर आईएलओसी ना भी लगाया जाए तो ये बाय डिफॉल्ट होता है 0, 1, 2, 3 रो स्लाइस हो जाएगी। और एलओसी से करेंगे तो आपको 0:3 देना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग भी इन्वॉल्व होता है और एंडिंग भी इन्वॉल्व होता है। 0, 1, 2, 3 पूरा आपका यहाँ से स्लाइसिंग हो जाएगा, फाइन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिए, सपोज कंट्री कॉलम हैज बिकम द इंडेक्स ऑफ द डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम में जो पहला कॉलम कंट्री है उसे इंडेक्स बना दिया गया। नाउ टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ इंडिया द कमांड विल बी, कह रहे हैं कि इंडिया जो इंडेक्स में अब चला गया, कंट्री नेम इंडेक्स में आ गए, इंडिया जो रो है जिसके सामने कंप्लीट रो इंडिया के सामने वो डिस्प्ले होना चाहिए, तो क्या कमांड होगी। जरा आप एक बार यहाँ से मैं पीछे चलता हूँ और आपको डाटा फ्रेम दिखा देता हूँ एक बार। ये जो कंट्री कॉलम है आपका इसे इंडेक्स बना देना है। इंडेक्स के लिए बनाने के लिए सेट इंडेक्स कमांड होती है, उससे आप जो है इंडेक्स बना सकते हैं। जैसे मैं अगर ध्यान से देखिएगा, मैं पाइथन में जाता हूँ, ये प्रोग्राम मेरा पहले से ये बना हुआ है, इसको मैं डाटा फ्रेम आपके सामने दिखा देता हूँ। डाटा फ्रेम आपका ये कंट्री वाला कॉलम इंडेक्स बनाना है, तो मैं लिखूँगा df = df.set_index और ब्रेकेट में आप कौन से कॉलम को इंडेक्स बनाना चाहते हैं इसे लिस्ट के फॉर्म में लिख दीजिए, country कंट्री को ऐसे। अब df चेक करेंगे तो ये वाला कॉलम आपका कंट्री वाला कॉलम जो है वो इंडेक्स बन चुका है। अब सवाल उठता है कि हम लोग ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें जो आपका आपके सामने है। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज़, यहाँ से देख लीजिए आप, ये कंट्री कॉलम इंडेक्स बन गया, इंडिया के सामने वाली पूरी रो आपको डिस्प्ले करानी है, राइट। दिस इज द क्वेश्चन, सो हाउ वी विल डू इट। क्वेश्चन नंबर एट। तो df.loc 1 होगा या df.loc इंडिया होगा या df.iloc 1 होगा या df ऑफ 1 होगा, ओनली पार्ट बी ये वाला, ओनली सी क्या ये होगा, ए एंड बी बोथ, df.loc 1 और df.loc इंडिया ये दोनों होगा, बी एंड सी क्या ये और ये दोनों होगा। तो आप जल्दी से गेस कीजिए कौन सा आंसर आपका सही है, क्वेश्चन नंबर 8। तो बिल्कुल आप सही गेस कर रहे हैं, इसका ए एंड बी, df.loc 1 और df.loc ऑफ इंडिया, ये गलत लग रहा है ये वाला आंसर, df.loc 1 नहीं हो सकता है, ये आंसर में सही इन्वॉल्व नहीं किया गया। अब मैं लिख लेता हूँ df.loc ब्रैकेट में 1, तो ये गलत है, ठीक है। आपका 0 कंट्री है 0, 1 चाइना के बाद 1 है, एलओसी के साथ हम इंडेक्स नहीं यूज करेंगे इंडिया यूज करेंगे, तो ये बाय चांस जो है ऑप्शन गलत हो गया है, इसे हम ठीक कर देते हैं।
तो आंसर इसका होना चाहिए df.loc इंडिया, ठीक है। और ILOC के साथ अगर आप करते तो वन लिख सकते थे। एक बार देखते हैं ILOC टेस्ट करके आपके सामने, df.ILOC ऑफ वन, ILOC ऑफ वन इज करेक्ट आंसर, क्योंकि बर्थ रेट, पॉपुलेशन और अपडेट डेट यहाँ से सीरीज के फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। सिमिलरली आपका अगर df.LOC और ब्रैकेट में हम लोग इंडिया लिखें, इंडिया, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। तो आपके यहाँ पर दो आंसर करेक्ट हैं, उसे ठीक कर लिया जाए यहीं पर, देन एंड देयर ओनली। एक तो पार्ट बी आपका करेक्ट है और एक पार्ट सी करेक्ट है, तो बी एंड सी ये मार्कर यहाँ पर होना चाहिए, राइट। फिर से इसको मैं रन कर देता हूँ और ये आपका आंसर है बी एंड सी। बी LOC से किया गया है, सी ILOC से किया गया है। ILOC रो का इंडेक्स नंबर वन है जिस पर इंडिया लिखा हुआ है, और .LOC जिसका लेबल इंडिया रो में लगा हुआ है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये दोनों कमांड कैंसिल हो जाएंगे। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सपोज कंट्री कॉलम हैज बिकम द इंडेक्स ऑफ द डाटा फ्रेम, ठीक है, मैंने उसको इंडेक्स बना दिया। नाउ टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ इंडिया एंड ब्राजील द कमांड विल बी, इंडिया और ब्राजील का जो डाटा है दो कंट्रीज का, इंडिया इंडेक्स नंबर वन पर है, ब्राजील इंडेक्स नंबर फोर पर है। अब आपको यहां से देखना है, देखिए इंडिया जो है आपका डीएफ, मैं यहां से फिर आपको दिखा देता हूं, ये आपका डीएफ है, इंडिया 0, 1, 2, 3, 4, ब्राजील 4 इंडेक्स नंबर पर है, इंडिया इंडेक्स नंबर 1 पर है। तो इसका आंसर क्या होगा, df.loc 1, 4, क्या ये आंसर होगा, गेस कीजिए। df.loc फिर लिस्ट के फॉर्म में इंडिया कॉमा ब्राजील कॉमा ऑल कॉलम्स, देन df.loc इंडिया ब्राजील नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में, देयर आफ्टर df.ILOC 1, 4 ऑल कॉलम्स, df.ILOC ऑफ 1, 4, 1, 4, पांच आंसर यहां पर दिए गए हैं। इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली ए, बी एंड सी, बी एंड सी, डी एंड ई, डी एंड ई, और बी सी डी ई ऑल, जस्ट चेक आउट एंड टेल मी द राइट आंसर। यस, आप लोगों ने गेस कर लिया है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, और एक यूनिक आंसर दिख रहा है जो आपका पार्ट 4 है। बी सी डी ई ये चारों कमांड काम करेंगे। LOC में आप लेबल का यूज करते हैं, ऑल कॉलम्स, अगर ऑल कॉलम नहीं भी लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट LOC यूज करने पर इस तरह का ऑल कॉलम्स देगा। ILOC में आप इंडेक्स नंबर यूज करते हैं तो 1, 4 लिख करके ऑल कॉलम्स, अगर आप यहाँ पर ऑल कॉलम्स का ये कॉलन नहीं लगाते हैं तब भी ये आंसर आपका सही देगा। अगर आप इसे टेस्ट करना चाहते हैं तो टेस्ट कर सकते हैं यहाँ से जा करके। आपने लिखा df.loc, देन विद इन ब्रेकेट स्क्वायर ब्रेकेट में यू हैव रिटन इंडिया, ओके कॉमा BRAZIL ब्राजील, और ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद करने पर भी आपका इंडिया और ब्राजील का डाटा डिस्प्ले हो रहा है। और इसी कमांड में अगर आप यहाँ कॉमा लगा करके कॉलन लगा देते हैं, देन ऑल्सो इट इज वर्किंग एंड गिविंग सेम रिजल्ट। सिमिलरली अगर ILOC की बात की जाए तो यहाँ पर मैं ILOC अगर लिख देता हूँ, एंड हेयर इफ आई राइट द इंडेक्स नंबर 1, 4, ILOC इंडेक्स पर काम करता है आपको पता होगा, तब भी ये सेम रिजल्ट देगा। और अगर यहाँ पर कॉमा लगा करके कॉलन लगा दिया जाए, यहाँ पर कॉमा लगा करके कॉलन मींस ऑल कॉलम्स, देन ऑल्सो इट इज गिविंग द सेम रिजल्ट। इस तरह से आपने देखा कि चार आंसर हैं इस क्वेश्चन के, और चारों आंसर आपका पार्ट बी सी डी एंड ई है। LOC 1, 4 लगेंगे तो ये इंडेक्स पर LOC काम नहीं करता, इंडेक्स लेवल पर काम करता है। आइए इस क्विज टाइम का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ध्यान से आप इसको देखिए और पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। सेम डेटा फ्रेम है, नाउ टू डिस्प्ले द पॉपुलेशन एंड अपडेट डेट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील द कमांड विल बी,
यहाँ पर आपके सभी कॉलम पिछले क्वेश्चन में डिस्प्ले हो रहे थे, अब हमें स्पेसिफिक कॉलम पॉपुलेशन और अपडेट डेट करना है। ये रेंज नहीं बता रहा है, पॉपुलेशन एक कॉलम है। यहाँ से देखिए आप, अगर डाटा फ्रेम में हम चलते हैं तो यहाँ देखिए पॉपुलेशन यहाँ पर है, अपडेट डेट यहाँ पर है, ये रेंज नहीं है। बीच में बर्थ रेट आपको प्रिंट नहीं करना है, और यहाँ पर आपका इंडिया और ब्राज़ील की रो डिस्प्ले करनी है। सो द कमांड इज df.loc 1,4,0,2 0,2 आपका कॉलम का इंडेक्स नंबर है, 0 है पॉपुलेशन का और 2 है अपडेट डेट का। अगला आंसर है df.loc इंडिया कॉमा ब्राज़ील, रो इंडेक्सेज हैं ये, कॉमा पॉपुलेशन कॉमा अपडेट डेट दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में। तीसरा आंसर है df.ilocc 1,4,0,2 ILOC के केस में 0,2 ये कॉलम्स के इंडेक्स हैं, 1,4 ये रो इंडिया और ब्राज़ील का इंडेक्स है। df of 1,4,0,2 तो इनमें से आपका चूज द करेक्ट आंसर, ओनली बी आंसर है या ओनली सी आंसर है या बी एंड सी है, बी एंड सी है या ए एंड डी है। फटाफट गेस कीजिए और करेक्ट आंसर बताइए। तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होने जा रहा है, और वो है पार्ट नंबर 3, बी एंड सी। एलओसी के हिसाब से रो के इंडेक्स एक लिस्ट के फॉर्म में, अगर इंडिविजुअल इंडेक्स है तो रेंज नहीं है तो, और कॉलम के इंडेक्स रेंज नहीं है तब भी आप उसे लिस्ट के फॉर्म में लिखेंगे। सिमिलरली ILOC में भी इसी तरह से, अगर वो रेंज नहीं है तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट के फॉर्म में कॉमा लगा करके कॉलम के इंडेक्स लिस्ट के फॉर्म में लिखे जाएंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको पाइथन में देखना चाहते हैं तो यू कैन सी लाइक दिस, मैं .LOC पहले आपने इंडिया ब्राज़ील लिख दिया कॉमा, इसके बाद आपको क्या डिस्प्ले करना है, एक लिस्ट में मैंने लिख दिया पॉपुलेशन कॉमा अपडेट डेट और इस तरह से इसका स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया। ये देखिए आप, इंडिया और ब्राज़ील का पॉपुलेशन और अपडेट डेट आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इसको ILOC के माध्यम से करूँगा तो आई विल राइट हियर, जहाँ पर आपका ये इंडेक्स लेबल लिखा जा रहा है वहाँ पर आप लिखेंगे क्या, 1 और 4 इंडेक्स नंबर। देखिए यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 इंडिया का 1 है, ब्राज़ील का 4 है, वैसे यहाँ पर 0, 1, 2 तो 0, 2 इसको हम लिख देंगे ILOC के केस में 1,4 एंड हेयर वी विल राइट, सॉरी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1,4 एंड देन 0,2 ये, और ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया। अगेन वी आर गेटिंग द सेम आंसर एज वी वर गेटिंग हेयर। तो एक तो ये LOC से आपने इंडेक्स लेबल के साथ किया स्लाइसिंग, और यहाँ पर ILOC से इंडेक्स नंबर के साथ स्लाइसिंग किया। इंडिविजुअल इंडेक्सेस हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे लिस्ट के फॉर्म में, अगर रेंज होती तो मैं कॉलन का इस्तेमाल करता, कैसे, ऐसे। अगर मान लीजिए 1 से लेके 4 तक सारा निकालना होता तो मैं लिखता 1:4 और इसे इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है लिस्ट के फॉर्म में। अगर 0 से लेकर के 2 तक सारा ही करना है, सारे ही कॉलम डिस्प्ले करने हैं, तो आई कुड हैव रिटन 0:2 लाइक दिस। तो आपका ये आपका 0:2 0:1 आएगा ना इसमें, ILOC है तो 0:1 आएगा, 0 और 1। यहाँ 1 से लेके 4 तक लिख रहे हैं, इसका मतलब 1, 2, 3 आएगा, 1, 2, 3 आएगा रो। इसी तरह से अगर आप इसे LOC के इस्तेमाल से लिखेंगे, LOC लिख करके, तो आपको यहाँ से, आप यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, बेटर होगा, सॉरी। इसे आप रिमूव कर दीजिए, I have removed it।
देन आई हैव कॉपीड इट। यहाँ पर अगर मैं कॉलन लगाना चाहता हूँ पॉपुलेशन से अपडेट डेट तक, तो बीच वाला कॉलम भी आ जाएगा, क्योंकि ये एक रेंज हो गई पॉपुलेशन से लेकर के अपडेट डेट तक, और ये अब स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं रहेगा। इंडिया से लेकर के ब्राज़ील तक, एलओसी जो है आप जानते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स लेवल और एंडिंग इंडेक्स लेवल दोनों को लेकर के काम करता है। आईएलओसी में स्टार्टिंग इंक्लूडेड, स्टॉपिंग इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो इस तरह से अगर रेंज होती तो मैं ऐसे डिस्प्ले करता। तो देखिए यहाँ से पॉपुलेशन से लेकर अपडेट डेट तक क्या आया, पॉपुलेशन, बर्थ रेट और अपडेट डेट, ये तीनों कॉलम इन्वॉल्व हैं। इंडिया से लेकर के ब्राज़ील तक, दैट मीन्स इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील, बोथ द एंड्स आर इंक्लूडेड। तो इस तरह की जो स्लाइसिंग है आपको स्पेशली इस क्विज टाइम की इस कड़ी में आपको ज़्यादातर स्लाइसिंग के बारे में बात किया गया, और एलओसी और आईएलओसी का किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर डिस्कशन इसमें किया गया। इसको आप पक्का कर लें, और स्लाइसिंग एक इजी टॉपिक है तो आपके टर्मिनल में ज़रूर पूछा जाने का चांस है। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं तो सिंपल वाली तो एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। इसे दो चार बार देखिए और प्रैक्टिकली करके देखिए, डाटा फ्रेम बना लीजिए अपने सिस्टम पर, और इन कमांड्स का इस्तेमाल करके आप उसे ऑब्जर्व कीजिए क्या रिजल्ट आ रहा है, तो आपको बेटर समझ में आएगा। इस तरह से क्विज टाइम की श्रृंखला में ये हमारी 8वीं कड़ी का समापन होता है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो और ये क्विज टाइम के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो सके, टर्मिनल वन में उनके अच्छे स्कोर आ सकें। क्विज टाइम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।